पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस। अटक गई कनिका, तुम तो 19 पर ही अटक गई। मैंने तो हाफ सेंचुरी पूरी की थी, 51 बार कूदा। पर मैं तो 99 बार कूदी थी सेंचुरी, 100 से बस एक कम। लेकिन नजमा, तुम तो सबसे ज्यादा बार बिना अटके कूदी होना, 100 के बाद भी 10 बार और कूदी होना। अरे 100 के बाद और 10 बार नहीं, सीधे सीधे 110 कहूँ ना। 110? क्या इसे 110 कहते हैं? मुझे तो 100 के बाद गिनना नहीं आता। अरे गिनना नहीं आता? ये तो बहुत आसान है। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114। शाबाश, 115, 116, 117। देखो आ गई ना 100 के बाद की गिनती। हाँ समझ गया, 100 बोलो और उसके बाद 1 से 100 तक बोलो। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर इसका मतलब हुआ कि 199 के बाद 100 आते हैं? नहीं नहीं, बिना सोचे समझे नहीं बोलते, जरा दिमाग लड़ाओ। तो फिर अरे देखो दीदी आ गई। अरे भाई किस सोच में पड़े हो तुम सब? हाँ हाँ अच्छा दीदी, हम लोग 100 के आगे गिन रहे थे। अब आप ही बताइए, क्या 199 के बाद 100 आते हैं? 100 मतलब, ओह अरे नहीं नहीं, 199 के बाद आते हैं 200। 200? हाँ 200। 100 के बाद जब 100 पूरे हो जाते हैं तब हो जाते हैं 200। और फिर गिनती तो उसी तरह चलती है जैसे 100 के बाद चली थी, मगर इस बार हम गिनते हैं 201, 202, 203, 204 और आगे तक गिनते जाते हैं। और फिर उसमें 100 पूरे होने पर हो जाते हैं 300, और उसके बाद 100 जुड़ने पर 400, और फिर 500, 600, 700। बिल्कुल ठीक, तो चलो इसे गाकर याद करते हैं। यह कहलाएगा 100 का पहाड़ा। 100 का पहाड़ा? हाँ 100 का पहाड़ा। दस्तक के पहाड़े तुम सब जानते ही होगे, मगर ये 100 का पहाड़ा है, पर है बहुत आसान। वो कैसे? वो ऐसे, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तीया 300। अरे साथ साथ तुम लोग भी तो बोलो, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तीया 300, 100 चक्के 400, 100 पंजे 500, 100 छक्के 600, 100 चक्के 400, 100 पंजे 500, 100 छक्के 600। शाबाश, अब आगे खुद बोलो। 100 सते 700, 100 अठे 800, 100 नवा 900, 100 दहम 1000। 1000? चलो ठीक है, पर इसे कहते हैं 1000। 1000? हाँ 1000। जानते हो 1000 क्या होता है? अरे किस सोच में पड़ गए, क्या कोई लिख के दिखाएगा? दीदी आप ही बताओ ना। तो चलो ठीक है, आओ मेरे साथ, चलो चलो। तो अब मैं बताती हूँ 1000 कैसे लिखते हैं। ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 1000, और ये पूरा बन गया 1000। दीदी आपने इकाई दहाई कहते हुए उल्टी ओर से मतलब दाहिनी तरफ से क्यों लिखा? देखो लिखने का यही तरीका है, इसे ऐसे समझो। तुम चारों जन एक लाइन में खड़े हो जाओ। बिल्कुल ठीक, तो अब देखो, नजमा हो गई इकाई,
हरिंदर हो गई दहाई और मैं बन गई सैकड़ा और मैं हजार। तो देखो सबसे छोटी हुई इकाई, उससे बड़ी दहाई, उससे बड़ा सैकड़ा और सबसे बड़ा हजार। और मैं हजार, देखो मैं हूँ सबसे बड़ा, मैं हूँ हजार और नलवा सबसे छोटी सिर्फ इकाई। अच्छा अच्छा, ज्यादा उछलो मत, अभी मैं यहाँ से हट गई ना तो सैकड़ा बन के रह जाओगे। और अगर मैं आकनिका भी नजमा के साथ साथ हट गई तो तुम सिर्फ इकाई बनकर रह जाओगे। आओ हम सब यहाँ से हट जाते हैं। ये लो, अब बोलो मिस्टर इकाई, क्या हाल चाल है? हाँ, हाउ आर यू? नहीं नहीं, चलो तुम पहले जैसे लाइन में आओ। और देखो सबका अपना महत्व होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और दीदी, बड़े के लिए छोटे का होना भी तो जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा। तो अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाती हूँ। ये लो कांच, और ये तुम अपने हाथों में पकड़ो ताकि इनके अंक मुझे सामने की ओर दिखाई दे। बिल्कुल ठीक। तो अब राहुल तुम बताओ तुम्हारे हाथ में कौन सा अंक है? एक। कनिका, हरिंदर और नजमा तुम भी बताओ। मेरे हाथ में शून्य है। मेरे में भी। और मेरे में भी। तो देखो एक के बाद तीन शून्य लगाने से बन गई ये 1000 की संख्या। अब बताओ एक के बाद एक शून्य लगाने से क्या बनता है? 10। बहुत अच्छे। 10 से पहले क्या आता है? 9। 9 यानी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, इसीलिए 10 हुई दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। हाँ, क्योंकि ये इसके ठीक बाद में आती है, 9 + 1 = 10। करेक्ट। तो इसीलिए 99 हुई दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 100 हुई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्योंकि 99 के ठीक बाद में आती है 99 + 1 = 100। बिल्कुल ठीक। तो अब बताओ कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई? सोचो सोचो। अरे कुछ जवाब भी तो दो। जवाब दे तो दिया दीदी, ये देखिए ना। 999। बहुत समझदार हो गए हो तुम सब। और दीदी अब एक चीज हम और बताएं। हाँ हाँ। तो सुनो, 3 अंकों की इस सबसे बड़ी संख्या के बाद आती है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मतलब 1000। मतलब अब तुम सब समझ गए कि 1000 क्या होता है? हाँ दीदी, ये तो समझ गए कि 1000 क्या होता है, मगर कितना होता है, कितना सारा होता है ये नहीं समझे। ठीक है, वो भी बताती हूँ, चलो बैठ जाओ। ये देखो ये क्या है? ये तो आपकी माला है। हाँ, और इसमें 100 दाने हैं। 100? हाँ 100। और ऐसी 9 मालाएं मैं और ले आऊं तो कितनी मालाएं हो जाएंगी? 9 और 1 ये वाली 10। हाँ, मतलब हर एक माला में 100 दाने, यानी 10 मालाओं में 100 × 10 यानी 100 दहाम, मतलब 1000 दाने। और इन सब मालाओं को मिलाकर जो माला बनेगी उसमें होंगे 1000 दाने। अरे वो तो बहुत बड़ी माला हो जाएगी, हम सब के गले में एक साथ आ जाएगी। ये 1000 तो बहुत ज्यादा होते हैं दीदी, मगर गिनती तो फिर भी चलती रहेगी 1000 के बाद भी। वैसे दीदी 1000 के बाद कैसे गिनते हैं? वैसे ही जैसे 100 के बाद गिनते थे। 100 के बाद मतलब 1001, 1002, 1003 और फिर इस तरह गिनते गिनते 1999 पर पहुंच जाएंगे। और हाँ, उसके बाद आएगा 2000। क्यों दीदी? बिल्कुल ठीक समझते जा रहे हो, पर अब मुझे 1001 कौन लिखकर दिखाएगा? येलो स्लेट और हरिंदर इस पर तुम लिखो।
क्या ये ठीक है? क्या कोई और कोशिश करेगा? दीदी मैं लिखूं? हाँ हाँ वेरी गुड। चलो आप कनिका लिख के दिखाएगी 1999। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम आगे की गिनती भी लिख सकते हो। तो चलो अब राहुल लिखेगा 6400। बहुत खूब, मतलब अब तुम सब समझ गए हो। पर दीदी ये बताइए, चार अंकों की ये गिनती तो 9999 तक ही चलेगी ना? हाँ, कितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए उतने ही 9 के अंक लिखने पड़ते हैं। जैसे ये देखो, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हुई 9, दो अंकों की 99, तीन अंकों की हो गई 999 और चार अंकों की 9999 और इसी तरह आगे तक लिखा जाएगा। तो दीदी 9999 के बाद 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आएगी। हाँ, और वो एक के आगे 4 शून्य लगाकर बनेगी और इसी तरह कहलाएगी 10,000। 10,000, अच्छा फिर उसके आगे? बस आज के लिए इतना ही काफी है, आगे की बात करेंगे फिर किसी दिन।